गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस अवर चैप्टर टू टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम टीथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट और इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सेट्स ऑफ टीथ। देर आर टू सेट्स ऑफ टीथ, मिल्की टीथ और अ टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। एंड देर आर 32 परमानेंट टीथ इन आवर माउथ, अपने मुंह के अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं। डिस्कस करे थे टेम्परेरी क्या होते हैं, परमानेंट क्या होते हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे टीथ कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर टीथ फंक्शन या हमारे जो दांत के जो फंक्शंस के बेसिस पर देर आर फोर टाइप्स, कितने टाइप्स के, फोर टाइप्स के टीथ होते हैं। अब एक्चुअली क्या टीथ टाइप्स भी हैं तो उनकी शेप एंड साइज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक जैसे टीथ नहीं होते, आप अपने मिरर में अपने आपके फेस देखिए, उसको माउथ ओपन करके देखिए कि आपके टीथ के अरेंजमेंट्स कैसे हैं, कैसे हैं, छोटे बड़े हैं, छोटे बच्चों में अलग होते हैं, बड़े बच्चों में अलग। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के सब एक जैसे होते हैं, बोला था ना टेम्परेरी टीथ सब एक जैसे। फिर उनके प्लेस पर क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। क्लियर? सो डिस्कस करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर टीथ फंक्शन देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ। कोई भी चीज़ आप ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में मत लिखिए जब तक आपको नहीं बोला जाए, आपको कहा जाएगा तभी आप राइट डाउन करा करिए। क्लियर? क्योंकि वो चीज़ें बुक्स में दी भी आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं इनको। क्लियर? लेकिन नोटबुक्स में जो आपको कहा जाए वो करिए। अभी ओनली असाइनमेंट आपको मिल रहा है वो करिए, क्वेश्चंस आपको बना के दे रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो आपके इनमें से कवर अप हो जाएंगे। क्लियर? सो कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी आपको। मैं एक टेबल भी बना के दे दूंगा लास्ट में, एक साथ भेज दूंगा आपको, वो नोटबुक में आप निकाल लेना। टाइप्स ऑफ टीथ लिख दूंगा, क्या फंक्शंस लिख दूंगा, नंबर्स लिख देंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। वैसे हायर क्लासेस के लिए काम का है, डायग्राम बनाओ तो भी देख लेंगे। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ टीथ फंक्शन, इनके फंक्शंस के बेसिस पर। कौन कौन से? इंसिजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। आप भी बोल बोल के इसको लर्न करिए, लर्न होगा। क्या है? इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, दो नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे। प्रीमोलर मोलर, प्रीमोलर पहले आता है, मोलर बाद में ऐसे। ठीक है? और दो हैं दूसरे नेम, इंसिजर्स एंड कैनाइन। ठीक है? इंसिजर्स, सीजर्स घर पे यूज करते हैं वो याद आएगा, तो उससे इंसिजर्स याद आ जाएगा। ठीक है? फिर कैनाइन से याद करना रहेगा। क्लियर? तो इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कैसे भी टेक्निक से आप इनको याद करिए, ये अपने टीथ रहते हैं, कभी भूलना नहीं, तो लाइफ लॉन्ग है, अपने साथ ही रहते हैं टीथ। क्लियर? एज के अकॉर्डिंग गिरते रहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं इंसिजर्स क्या होते हैं। क्लियर? पहले मैं आपको एक बार आपके जो जॉ की है पिक्चर दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ पर कौन से टीथ हैं उनके बारे में, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखिए आपके पूरी पिक्चर्स हैं, ये एक जॉ की है, मतलब एक जबड़े की पिक्चर है, अपर जॉ कह सकते हो, लोअर जॉ जो भी। ठीक है? तो ये जो ई फ्रंट में देखो लिखा है, ये इंसिजर्स हैं, इनके पास में क्या होते हैं कैनाइंस, फिर इनके आजू बाजू में यहाँ पर देखिए प्री मोलर्स, और फिर सबसे लास्ट में मोलर। ये देखिए यहाँ पे मोलर, फिर प्री मोलर, कैनाइन, और ये इंसिजर्स। क्लियर? ऐसे अपने माउथ में भी दे सकते हैं, फ्रंट के इंसिजर्स, पास वाले कैनाइंस, फिर उससे पीछे प्री मोलर, फिर उससे पीछे मोलर। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंसिजर्स के बारे में। ये बहुत शार्प होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं, शार्प। कोई चीज़ शार्प होती है कट करने की, जैसे आपका नाइफ होता है कुछ शार्प होता है, उसके जैसे शार्प नहीं होते। और ये भी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, किसी के टीथ की शार्पनेस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को बोलते हैं ना बहुत दांत बहुत दिखे इसके, इतना जोर से बाइट करा इसने, ठीक, वो चीज़ें वेरी करती जो भी। ठीक है? दांतों की एक्सरसाइज भी होती है, फ्रूट्स हम खाते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, होकर जैसे कैरेट खा रहे हैं, उसे गन्ना खा रहे हैं, आप शुगर के तो एक्सरसाइज होती है, जो नहीं कर रहा प्रैक्टिस कभी खाएगा तो दांत फिर भी सकते हैं। क्लियर? तो शार्प होते हैं, फ्लैट टीथ होते हैं, फ्लैट होते हैं। क्लियर? इन फ्रंट ऑफ ईच जो फ्रंट, ये फ्रंट पोर्शन होता है, सामने वाली साइड जिसको बोलते हैं फ्रंट, ये बैक होता है, ये फ्रंट होता है, तो फ्रंट होता है उसके बाद, तो फ्रंट ऑफ ईच जो। क्लियर? हर जॉ के फ्रंट में, ऊपर वाले जॉ में भी है और नीचे वाले जॉ में भी। क्लियर? जॉ किसके लिए यूज करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग, आपको कटिंग करना है या बाइटिंग करना है। ठीक है? बाइट करना है, खा रहे हो, काट रहे हो किसी चीज को ऐसे, तो ये यूज करते हैं उनके लिए। क्लियर? तो शार्प फ्लैट टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। टोटल कितने होते हैं इंसिजर्स? 8। मैं न्यूमेरिक में भी लिख रहा हूँ और आपके लैंग्वेज में भी लिख रहा हूँ, 8 होते हैं।
टोटल 8 होते हैं, दोनों जॉब हो जाएंगे। बोला जाए तो फॉर इन ईच जॉब, फॉर इन ईच जॉब, हर जॉब में कितने होते हैं वो, अपने जॉब कितने, वी हैव टू जॉब, अपर जॉब एंड लोअर जॉब, ऊपर वाले जॉब में फॉर, नीचे वाले जॉब में फॉर, टोटल कितने हो गए वही लिखा मैंने, 8 अपर फॉर इन ईच जॉब। ईच जॉब का मीन्स प्रत्येक जॉब के अंदर चार है, कितने जॉब है दो, एक में चार है दूसरे में चार है, टोटल कितने हुए 8, क्लियर, इन सीजन टोटल 8, टोटल 32 करने हैं आपको, क्लियर, अभी कितने आए 8, प्लस करता जाऊंगा मैं। फिर कैनाइंस, यहां पे लिख भी देता हूं, आई लिख रहा हूं आई फॉर इंसिजर्स, क्लियर। फिर बात करते हैं कैनाइंस, ये भी शार्प होते हैं और पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड देखा मैंने आपको, पॉइंटेड बताया था जैसे पेंसिल होती है, या जो निप होती है देखिए कैसी पॉइंटेड है, ठीक है, तो इतने पॉइंटेड नहीं होते, इसी टाइप से पॉइंटेड होते हैं ये, इतने ज्यादा भी पॉइंटेड नहीं होते लेकिन पॉइंटेड होते हैं, ये भी चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन। तो शार्प पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इंसिजर्स, जो अपने दोनों साइड के इंसिजर्स है, ऊपर जॉब में देखो पास में, नीचे और जॉब पास में, तो बोथ साइड ऑफ इंसिजर्स प्रेजेंट होते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर टीयरिंग फूड, टीयर का मतलब होता फाड़ना, खाने को चीर में फाड़ने में यूज करते हैं, किसको, कैनाइंस को। ये कितने होते हैं कैनाइंस भाई, टोटल कितने कैनाइंस होते हैं फोर, कितने कैनाइंस होते हैं फोर, टू इज इन ईच जॉब, टू इन ईच जॉब, टोटल कितने फोर, वन टू थ्री फोर, हर जॉब के अंदर कितने, ऊपर जॉब में दो नीचे दो, टोटल कितने फोर, तो भाई चलो ऑड नंबर मिल गया, फोर आपके क्या होते हैं कैनाइंस, क्लियर, टोटल अभी 12 है, 32 में से 12 आए थे, क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्री मोलर एंड मोलर के बारे में, यस डिस्कस करें नेक्स्ट प्री मोलर एंड मोलर के बारे में, अभी डिस्कस कर लिया था इंसिजर्स एंड कैनाइंस, नाउ वी डिस्कसिंग प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर्स क्या होते हैं, ये फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होते हैं, ये भी टीथ कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और ब्रॉड मींस चौड़े होते हैं, क्लियर। प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइंस, कैनाइंस के नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसिजर्स पास में कैनाइंस थे वो साइड, फिर इनके नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आता है, बाद वाला यही आता है, यहाँ पर प्री मोलर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, ऊपर ऊपर जॉब में और नीचे जॉब में, क्लियर। फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइंस, दे क्रश एंड च्यू द फूड, क्रश करते हैं और चबा देते हैं फूड को। ये कितने होते हैं, ये आप टोटल 18 नंबर, कितने होते हैं 8, फोर इन ईच जॉब, मतलब ऊपर कितने 4, नीचे कितने 4, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल 8, तो अपने हमारे प्री मोलर्स कितने आ गए 8, कितने हुए 8, अभी टोटल हमारा 8 और 12 8 20 हो गए पूरे, लेकिन अभी 12 रिमेनिंग, देखो वही होंगे, देखो बात करते क्या मोलर्स के बारे में बात करते हैं, ये भी फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होते हैं, कहां पर होते हैं, एट द बैक ऑफ ईच जॉ, सबसे बैक में, जॉ के बैक में रहते हैं, क्लियर, एट द बैक ऑफ ईच जॉ, ये भी फ्लैट एंड ब्रॉड होते हैं, लेकिन ये मोलर्स होते हैं, मोलर्स आर ब्रॉडर देन प्री मोलर, मतलब जितने प्री मोलर चौड़े होते हैं उनसे ज्यादा चौड़े टीथ होते हैं, क्लियर। दे हैव बीन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड वेल, ये भी चबाने में और अच्छे से उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ये टोटल कितने नंबर होते हैं 12, कितने होते हैं 12, इन ईच जॉब कितने हुए टोटल 12 होते हैं, ईच जॉब में कितने होंगे 6, क्लियर। ऊपर कितने हैं बैक ऑफ में, बैक ऑफ द जॉब 6, नीचे कितने 6, क्लियर, टोटल करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं 6 इधर है 6, ऐसा नहीं 3 टोटल हो गए 6, नीचे भी 3 6, 6 एंड 6 12, टोटल कितने हो गए 12, ये देखो पिक्चर्स दिखाऊं मैं आपको पूरा, ये लिख देता हूं, ये अपने 12 लेटर होते हैं, टोटल कितने हो गए 32 हो गए, ठीक, इंसिजर्स 8, कैनाइंस 4, प्री मोलर 8 एंड मोलर्स कितने 12, ये देखिए आप दोनों साइड है, एक जॉ की बता रहे हैं, जैसे इंसिजर्स 4 है 1 2 3 4, एक जॉ की बात करें, कैनाइंस एक जॉ में कितने हैं 2, प्री मोलर एक जॉ में कितने हैं 1 2 3 4, और मोलर्स कितने हैं 1 2 3 1 2 3, कितने हुए 6, एक जॉ की बात करें, क्लियर, तो एक जॉ में कितने हुए 16, दूसरे जॉ में कितने हुए 16 हो गए 32। तो ये हमारे टीथ के रिजल्ट थे, हमने डिस्कस करा टीथ के बारे में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ टीथ फंक्शन, इंसिजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स टीथ यूज करते हैं बैटिंग एंड कटिंग के लिए, क्लियर, कैनाइंस यूज करते हैं टीयरिंग के लिए,
और प्री मोलर्स यूज करते हैं क्रश एंड च्यू के लिए एंड मोलर्स यूज करते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। क्लियर। इंसिजर्स टोटल 8 नंबर होते हैं, ईच जो 4, कैनाइंस टोटल 4 नंबर इन ईच जो 2, प्री मोलर्स टोटल 8 इन ईच जो 4 एंड मोलर्स टोटल 12 नंबर एंड 6 इन ईच जो। तो ये हमारे टीथ के टाइप्स के बारे में था, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में। क्लियर, होप यू लाइक दैट। एनी डाउट एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन वेयर द वीडियो अपलोडेड इन द गूगल क्लासरूम ऐप। वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। क्लियर, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए। मैंने पहले भी बोला ब्लैक बोर्ड पे चीज़ नॉट नेसेसरी टू राइट, ये सभी आपके बुक्स में ले रखा है, मैंने थोड़ा चेंज कर करके लिया, लेकिन वही चीज़ें। क्लियर, तो असाइनमेंट मिले वो करिए, जब तक मैं नहीं बोलूँ कि हाँ ये डेफिनेशन लिखी है, ये पॉइंट काम का आप लिख लीजिए नोटबुक में, तभी आपको लिखना है। क्लियर, बाकी इसमें से मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा और टेबल भी दे दूंगा। क्लियर, थैंक यू।